सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप एचडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका क्लास 12th की इंग्लिश को, और जिसमें मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रामर के पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जिसमें मैंने आपके पहले एसर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस और आपके लेट वाले सेंटेंस पूरे करा दिए थे। और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कराएंगे आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि हम इनडायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो रूल पे आधारित है, ठीक है। इससे इसके बाद जस्ट ही बाद इसके आपके प्रैक्टिस सेशन आएगा आपके लिए, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसके बाद आपको बनाना होगा सेंटेंसों को इनडायरेक्ट, उनकी कैसे बनाओगे। मैं पहले आपको सब सेंटेंस नोट डाउन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बना के बताऊंगा कि आप कैसे उन्हें बना सकते हो। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसमें आपके रूल्स डिस्कस कराए जाएंगे और मैं इसमें ब्रॉडली आपके डिस्कस कराऊंगा रूल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आप अच्छी तरीके से इन रूलों को याद कर लेना, क्योंकि जब आप इन्हें याद कर लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में जाकर मेरे चैनल का नाम सर्च करना है, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। ये आप ये मीनिंग डाल देना यूट्यूब में जाकर के, और सर्च करके वहां पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पहले की एक भी वीडियो मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12th ही इंग्लिश के नाम से, वहां पे आप सर्च करना तो वहां पे आपका ये टॉपिक मिल जाएगा, सभी वीडियो क्रम से आपकी दी हुई है, ठीक है। तो कोई भी जैसे डायरेक्ट आता है चैनल पर, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैनल का नाम आप देख लीजिए ध्यान से, इसे आपको सर्च करना है जाके। चलिए अब पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाने कैसे बनाएं, उसके मैं रूल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, आसानी से रूलों को समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टाइम आपका बहुत कम लेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए इस प्रकार के वाक्यों में, जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले, उसमें क्या होता है, हर्ष के लिए हम जॉय का प्रयोग करते हैं और दुख के लिए हम सौरो यूज करते हैं। दुख के लिए क्या यूज करते हैं, सौरो यूज करते हैं। आश्चर्य के लिए सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, जब आश्चर्य की कोई बात आ जाएगी तो वहां पर हम सरप्राइज यूज करेंगे। और अनुमोदन के लिए यानी अप्रूवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन के लिए अप्रूवल, ठीक है, आदि प्रकट होता है। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया जाता है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन आपका दिया हुआ है, ठीक है, लगाया जाता है, ये रूल नंबर 1 है। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे हर्ष की बात आती है, खुशी की बात आती है आपके सेंटेंस में, तो आपको क्या लगाना है, जो है। और अगर दुख की बात आती है तो आपको सौरो यूज करना है, और अगर आपकी आश्चर्य की बात आती है तो उसमें सरप्राइज की बात होगी, ठीक है, और अगर अनुमोदन है तो उसमें अप्रूवल होगा। तो इस प्रकार की ये भावनाएं प्रकट कराता है हमें, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखिए, ये तो है डायरेक्ट, डायरेक्ट में कैसे लिखा होगा और इनडायरेक्ट में आपको कैसे बनाना है, उसके आपको यहाँ पे रूल बताए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलास, अह, ओह, अगर ये शब्द आते हैं तो ये शब्द क्या डिनोट करते हैं, ये दुख को डिनोट करते हैं कि व्यक्ति जो है, जो कहने वाला सेंटेंस है, वो बहुत ही दुखी है, ठीक है। तो इसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे हम, ये अलास, अह, ओ लिखा होगा, वहां हम इसे किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, यानी जो अपना ये एक्सप्रेशन दे रहा है वो किस कैसे दे रहा है, यानी सौरव है, बहुत ही दुखी है ये, ठीक है। तो हमने बताया था दुख के लिए क्या यूज करा जाता है, सौरव, तो एक्सक्लेम्ड विद सौरव लिखना होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही भुर्रे, हा हा, ठीक है, कोई खुश है बहुत ज्यादा, उसी से आपका जश्न मना रहा है वो, जैसे मान लीजिए किसी ने मैच जीत लिया, कोई इंटर में अच्छे नंबर ले आया, तो वो क्या करेगा, उसी से जश्न मनाएगा। तो उसके लिए क्या है, सुख के लिए ये शब्द होते हैं जो सुख के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या हम डिलाइट का यूज कर देंगे, आप चाहे जॉय लिख दीजिए चाहे आप डिलाइट यूज कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बदलेंगे। ऐसे ही आएगा वेल डन, ब्रेवो, कोई आपको शाबाशी दे रहा है, अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ डायरेक्ट में, आप पहचान लोगे वेल डन या ब्रेवो, ठीक है। तो इसके लिए आपको अप्लॉडेड सेन, ये आपको इनडायरेक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, गुड ग्रेसेस एंड गुड हेवंस, ठीक है। यहाँ पर इनमें से व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए तो ये किसके लिए होते हैं, ओह मेरे ईश्वर, यानी क्या एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। तो इसमें आप सरप्राइज या रिग्रेट में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप किसी को बधाइयां दे रहे हो, कोई पास हो गया है एग्जाम में, कोई अच्छे नंबर ले आया है, किसी की नौकरी लग गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन उसे कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट में आपको करना पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में, सेंटेंस को देखते हुए उसके अनुसार ये बदलेगा कि आपका सेंटेंस किस में दिया हुआ, ठीक है। फाई फाई, फाई फाई का मतलब होता है छी छी, कितनी बुरी बात है, छी छी, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक्सक्लेम विद कंटेंप्ट, ठीक है, तो कंटेंप्ट का यूज करोगे एक्सक्लेम विद कंटेंप्ट का, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है, हाउ और व्हाट आने पर वेरी वेरी मच या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। अब ये है, ये आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कहां वेरी और वेरी मच यूज करोगे और कहां पर आप ग्रेट यूज करोगे, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव दिया होगा तो आप उनमें से वेरी या वेरी मच में से एक यूज कर सकते हो, अगर उसमें नाउन दिया होगा सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं होगा तो आप वहां पे यूज करोगे किसे, ग्रेट को यूज करोगे, ठीक है। तो ये जब सेंटेंस आएंगे तब मैं बता दूंगा, इसके नेक्स्ट जस्ट वीडियो आएगा तो आप उसमें सेंटेंस आपके डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इन सभी रूलों को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इन सब रूलों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है, जिससे कि जब भी मैं सेंटेंस बनवाऊंगा अगली वीडियो में तो आपको वो समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक का, आप जहां भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो वहां पर आपको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। चलिए अब देते हैं आपसे विदा, थैंक यू।